प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब भारत को इंपोर्ट पर विदेशी मुद्रा ना खर्च करनी पड़े। जिसे आज हम इंपोर्ट करते हैं, कल हमें उसी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने का रखना है लक्ष्य। बड़ा सवाल ये है कि जब हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, एक प्रकार से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के जो मेन ग्रुप है हम उसमें से एक हैं, अगर ये सच्चाई है तो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्यों नहीं हो सकते? और ये हम सबको अपने आप को पूछना है। एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये कार्यक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने का ही है ऐसा नहीं है, बल्कि ये 130 करोड़ एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का कमिटमेंट है। अब भारत ने कोल और माइनिंग के सेक्टर में कंपटीशन के लिए, कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो नए प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग के क्षेत्र में आए, उन्हें फाइनेंस के कारण कोई दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है ताकि नए लोगों को प्रोत्साहन मिले। एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा, एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोयले से भी हो सकता है इसका विश्वास पैदा होगा। यानी हर सेक्टर पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा और मैं जो फील कर रहा हूं इसके कारण हमारे देश के गरीब इलाकों के और गरीब लोगों के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हम सबको मिलने वाले हैं। साथियों, कोल रिफॉर्म करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि एनवायरनमेंट की रक्षा का भारत का कमिटमेंट कहीं से भी कमजोर न पड़े। अब भारत अपनी डिमांड को मेक इन इंडिया से पूरी कर रहा है। इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम महत्वपूर्ण मेडिकल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर भी बनेंगे। आप अपना विश्वास, अपना हौसला बुलंद रखिए। हम सब मिलकर के ये सपने साकार कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और ये हम सबका संकल्प है, 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है और हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट में कर्नल संतोष बाबू को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में नम आंखों के साथ शामिल लोग, सीमा पर अपनी जमीन की रक्षा करते हुए शहीद हुए संतोष। बिहार के बिहटा में शहीद सुनील कुमार पंचतत्व में विलीन।
शहीद के बेटे ने दी मुखाग्नि। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। सुनील कुमार अमर रहे के नारों के साथ लोगों ने दी अंतिम विदाई। बिहार के बिहटा के शहीद सुनील कुमार की पत्नी ने कहा कि चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर ले बदला, नहीं तो नहीं करूंगी माफ। सुनील कुमार अमर रहे से गूंज उठा पूरा गांव। शहीद गणेश हंसदा का पार्थिव शरीर आज पहुंच रहा है झारखंड के घाटशिला में उनके पैतृक निवास। देश के वीर सपूत के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, परिवार में पसरा मातम। शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह का पार्थिव शरीर पंजाब के गुरदासपुर पहुंचा। जिला प्रशासन की ओर से शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। ओडिशा के पुरी बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर आकृति बनाकर दी गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। लिखा, ट्रिब्यूट टू आवर ब्रेव हार्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन। मां गंगा में पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चीन के प्रधानमंत्री के पोस्टर जलाए। मुंबई में चीन का विरोध किया गया। लोगों ने यहां चीन के बने सामानों की होली जलाई और चीन के बने सामानों को बहिष्कार करने की अपील की। कर्नाटक के हुबली में चीन का विरोध किया गया। लोगों ने यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर को फाड़ कर गुस्से का इजहार किया। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन का विरोध किया। चीन के बने सामान को तोड़ा, चीन के राष्ट्रपति की तस्वीरों को जलाया। सरकार ने बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि 4G सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए किसी भी चाइनीज कंपनियों के बनाए उपकरण का इस्तेमाल ना किया जाए। सूत्रों के मुताबिक संचार मंत्रालय ने कहा कि टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। संचार मंत्रालय बीएसएनएल के साथ साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश देगा कि वो चीन की कंपनियों पर निर्भरता कम करे। सरकार के सूत्रों के मुताबिक कि चीन की कंपनियों के उपकरणों के नेटवर्क की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के 50 से ज्यादा मोबाइल ऐप की पहचान की है जिनसे भारत की सुरक्षा को खतरा है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इन ऐप के जरिए देश और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा भारत से बाहर भेजा जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार के लेख में भारत को धमकी, कहा अगर तनाव बढ़ा तो भारत को चीन, पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ युद्ध लड़ना होगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत की विनाशकारी हार होगी। भारत में चीन के उत्पाद के बहिष्कार की मांग तेज होते देख चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन विरोधी आवाज को नियंत्रित रखना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि सीमा से जुड़े मुद्दों को निवेश और ट्रेड से जोड़ना सही नहीं। चीन ने भारत के खिलाफ बंदरगाह या रोड बनाने के नाम पर सभी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर रची साजिश। मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, सबको अपनी कॉलोनी बनाने की राह पर है चीन। ताइवान की एक न्यूज वेबसाइट ने एक तस्वीर में भगवान राम को चीनी ड्रैगन को मारते हुए दिखाया। पिक्चर में लिखा है कि हम जीतते हैं, हम मारते हैं। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत में हुआ फैसला। 6 जून को कमांडर स्तर पर बनी सहमति को लागू करने पर राजी। जयशंकर ने कहा, चीन की सोची समझी साजिश थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन झड़प पर अमेरिका की नजर। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का बयान, पूर्वी लद्दाख पर है हमारी पूरी नजर। भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत पर हमने श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के मेज पेम्पोर इलाके में देर रात आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने गोलियों से दिया आतंकियों को जवाब। इलाके में चलाया गया सर्च अभियान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत। 192 में से 184 देशों का वोट मिला। 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य रहेगा भारत। भारत मेक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने के बाद भी एक सीट रह गई खाली। एक बार दोबारा होगी वोटिंग। केन्या और जिबूती के बीच आखिरी सीट के लिए हुआ था टकराव।
पेट्रोल की कीमतों में फिर आज 55 पैसे और डीजल में 64 पैसे की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में आज पेट्रोल 77 रुपए 81 पैसे और डीजल 76 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले कई दिनों से बढ़ रहे हैं दाम। बुधवार को दुबई और ढाका में फंसे बिहार के लोगों को लेकर फ्लाइट गया पहुंची। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई की फ्लाइट से 189 और ढाका की फ्लाइट से 170 भारतीय लाए गए, जिन्हें एयरपोर्ट से बसों के जरिए पहुंचाया गया बोधगया। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,67,000 के करीब। कोरोना से अब तक देश के 12,237 लोगों की हुई मौत। करीब 1,94,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। भारत में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 12,881 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट हुआ 53% के करीब। दिल्ली में अब 2,400 रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट। पहले टेस्ट कराने के लिए 4,500 रुपए देने होते थे। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,414 नए केस सामने आए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कोरोना संक्रमित। कालकाजी से विधायक आतिशी मालेना, करोल बाग के विधायक विशेष रवि और पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट अक्षय मराठे भी कोरोना संक्रमित। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गैर मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संभालेंगे कामकाज। जैन के सभी विभागों का प्रभार सिसोदिया को दिया गया। सत्येंद्र जैन कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती। अब आप घर बैठे ही कर सकेंगे अयोध्या राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लॉन्च की रामलला की आधिकारिक वेबसाइट। दान के लिए बैंक की वेबसाइट से जोड़ा गया बैंक का पेमेंट गेटवे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में टूटेगी हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा। गोवर्धन गुरु पूर्णिमा पर नहीं होगी गिरिराज परिक्रमा। कोरोना संकट के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। लाखों की संख्या में परिक्रमा में शामिल होते हैं लोग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। लखनऊ में भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में छत से गिरे बच्चे को 6 अस्पतालों में भटकने के बाद मिला इलाज। परिजनों का आरोप, घायल बच्चे को लेकर निजी एम्बुलेंस से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल काटते रहे चक्कर। मध्य प्रदेश के भिंड में कथावाचक युवक का अपहरण। कथा सुनाने का झांसा देकर साथ ले गए थे कार सवार बदमाश। पिता से फोन पर मांगी 30 लाख की फिरौती, पुलिस कर रही है तलाश। मणिपुर में गहरे राजनीतिक संकट में है मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी गठबंधन सरकार। देर रात पार्टी के 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा। 6 अन्य विधायकों ने भी सरकार से वापस लिया अपना समर्थन। 60 सदस्य विधानसभा में अल्पमत में आई बीजेपी। त्रिपुरा के ढलाई जिले में देखा गया दुर्लभ जीव हॉग बैजर। 3 बैजर के मिलने से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने जताई खुशी। एनजीओ में पाए जाते हैं पिग और भालू के गुण। तेलंगाना बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट आज होगा जारी। तेलंगाना के शिक्षा मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी आज दोपहर 3 बजे जारी करेंगे रिजल्ट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य मृतक एफ्रो अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड को न्याय दिलाने के पक्ष में। फ्लॉयड के भाई फ्लोनीज फ्लॉयड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दर्ज कराई शिकायत। न्याय दिलाने की मांग।